हे गाइस, सो आज मेरा फास्ट है और प्रदोष व्रत का, तो मैं नहा चुकी हूँ और बारिश बाहर बहुत तेज़ हुई है। तो मैंने अभी फ्रूट सैलेड बनाया है जिसमें नो नमक, ऑनली नींबू डाला थोड़ा सा। सो इसको हम फ्रिज में रख देंगे अभी करके। फ्रिज पर रखने के बाद आफ्टरनून में, मतलब कि वही 3-4 बजे के करीब आई विल हैव दिस, क्योंकि पूरे दिन मैं वैसे खाती नहीं हूँ, मतलब बहुत कम होता है कि मैं फ्रूट्स खाती, तो आज मैं खा रही हूँ कि मैं फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करती, बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम। घी का डब्बा लगा है सामने। मन कर रहा है गीली बाल्टी में लेट जाऊं, एकदम जाके सब गर्मी लग रही है। ये भी खोल लो ना, लड्डू है, जाली वाला लगा दो, टेंशन ना ले भाई। तो दे रहा मुझे ये पनिशमेंट दी गई नहीं, मुझे पूजा होने के लिए कोई क्वेश्चन यार, ये तो तुम्हारा वो है पंडित तुम्हारा, मेरे मुंह से ही क्या है, तुम्हारा सौभाग्य है। हाँ मैं अपना फोन डी एंडी कर दूँ, वाइब्रेट नहीं, कॉल करके पूछे के बीच में वो डिस्टरबेंस नहीं चाहिए यार। हाय गाइस, मेरी पूजा का टाइम हो चुका है 6:30 बजे से, और 9 बजे के बीच में पूजा करनी होती है इस फास्ट में, मतलब एज पर तिथि। और मेरे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही थोड़ी देर से, मुझे अंधेरा पूजा करनी है। मैं 2 फोन रखे हुए हैं फ्लैश के लिए, लेकिन लाइट नहीं है, तो आप भी कथा सुनेगा, मतलब ये भी कथा सुन रहा है राम राम। मिश्री प्रसाद, फल में प्रसाद के लिए रख चुकी हूँ 5 फल, मेरे पास थे 4 फल, तो मैंने 1 फल को डबल करके रख दिया और मैंने देखा शुरू को सौ लगा दिया है। हमें लड्डू की कथा सुनेगा, लड्डू की बस तबियत ठीक हो जाए। लड्डू जैसे ऊपर आ रहा है, तुमने भी लिया है ना। एए, बेबी टांग टूट गई, पत्नी को भी काफी चोट आई, सेठ पुत्र
कटिंग जारी रखा, तभी डाकू से लेट हो गई और वे धन्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा, जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया, उन्हें देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधु और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक हो गए। श्री शिव चालीसा। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, हाल चंद्रमा सोनी तिल के कानन कुंडल नाग तले के अंग गोर शिव गंग बहाए मुंडमान तन छार लगाए वस्त्र खाल बादंबर सोने छवि को देख नाग मुनि मोहे नैना माता की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन छयकारी नंदी गणेश सोही तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और बड़गाऊ या छवि को कही जात ने काऊ देवन जब ही जय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल ही तुम ही जुहारी तुरन पछाणन आप पठाओ लव निमेश महमारी गिराऊ आप जलंधर असुर सहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर लीन बचाई किया तब ही भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन मैं तुम सब कोई नाही सेवक स्तुति करत सदाही वेद नाम महिमा तब गाई अतत अनादि भेद नहीं पाई प्रगति उदती मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय विहाला किन्हीं दया तह करी तहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब गिना जीत के लंक विभीषण गिना सहस कमल में हो रहे भारी किन्हें परीक्षा तभी पुरारी एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर है प्रसन्न भे इच्छुत वर जय 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 अनंत अविनाशी कर कृपा सबकी घटवासी तुष्ट सकल निक मोहि सावे ब्रह्मत रहो मोहि चैन आवे त्राही त्राही में नाथ पुकारो यदि अवसर मोहि आन उबारो ले त्रिशूल शत्रुओं को मारो संकट से मोहि आन उबारो मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आज तुम्हारी आए हरहु मम संकट भारी धन निर्धन को देत सदाई जो कोई जाचे वो पल पाई स्तुति के ही विधि करो तिहारी शंभुनाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट से नाशन मंगल कारण विधि विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मा पार न पाए वो यह पाठ करे मल्लाई तापर होत है शंभु सहाई त्रिनिज्ञा जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन इच्छा कर कोई निश्चय शिव प्रसाद तेही होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रही कलेशा धूप दीप निवेद चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप निवासे अंतवास शिवपुर में पावे कहे अयोध्या आज तुम्हारी जानी सकल दुख हरहु हमारी जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांग निहारा ओम जय शिव ओंकार एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुणासन हंसानन गरुणासन वृषभाहन साजे ओम जय शिव ओंकार दो भुज चार तुर भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकार अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा सोहे त्रिपुरारी ओम जय शिव ओंकार श्वेता
पीतांबर पीतांबर पादांबर आंगे स्वामी पाद बर आंगे संकादिक ब्रह्मादिक संकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकार करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ओम जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाशर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कर्म जप हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा शिव जी की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिर वर कापे रोग दोष जाके निकट न जाके अंजनी पुत्र महाबल दाई संतनि के प्रभु सदा सहाय दे दीना रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुधी लाए लंका सोकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत वारन लाई लंका जारी असुरी सब मारे सीताराम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरती में लाए संजीवन प्राण उबारे बैठी पताल तोरी जमकारे अहि रावण की भुजा उखारे बाय भुजा सब असुर सहारे दाय भुजा सब संत उबारे सुर नर मुनि जन आरती गावे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर की बाते आरती करत अंजना माए जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ अमर पद पावे लंक विश्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई जय हनुमान जी की। पता जब मैं पूजा कर रही थी ना ये मेरे पैर पे खुजली कर रहा था और मेरे पैर पे सुसु कर दिया इसने। मेरा बेटा डेरे इसको पियर बहुत पसंद है। मेरे भी पैर पे किया है। खैर कोई बात नहीं, इसको कट करके मुझे लेके भाग गया। चलो भाई अपने काम से मतलब है।